गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे बेसिक फंडामेंटल नंबर 5। अब तक आपने बेसिक फंडामेंटल नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आज हम इस बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टेंसेस, पैटर्न्स एंड एग्जाम्पल्स। तो आज का ये टॉपिक जो है बेसिक फंडामेंटल नंबर 5, ये भी मैंने बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो बेसिकली पार्ट 1 की तरफ पहले आप आज जाएंगे पढ़ेंगे। सो पार्ट 1, तो टेंसेस, पैटर्न्स एंड एग्जाम्पल्स। हम जब भी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं तब हम टेंसेस से शुरू करते हैं। तो टेंसेस हमको बचपन से पढ़ाए जाते हैं, टेंसेस के पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं, वो हर सभी को तो पता ही है। फिर भी आप लोग अभी स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में हो, तो आपको ये बेसिक पैटर्न्स सबसे ज़्यादा मालूम होना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आपको बताता हूँ कि ये जो टेंस जो वर्ड है इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो टेंस वर्ड है विच इज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। टेम्पस नाम का एक ओल्ड लैटिन वर्ड है, उससे ये टेंस नाम का शब्द वहाँ से ओरिजिनली शुरुआत हुई। और इन टेंसेस को एज पर अकॉर्डिंग 3 सिंपल सेक्शन में डिवाइड किया है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस टेंसेस के पैटर्न्स और टेंसेस के एग्जांपल्स के बाद, टेंसेस के जो काइंड्स है, मतलब जो 12 प्रकार के टेंसेस इंग्लिश में बोले जाते हैं, देर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो वो भी हम आगे चल के देखेंगे। सो सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न है वो है वी और V1 प्लस यस और ES, वी और V1 प्लस एस और यस। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आमतौर पे आपको ऐसा पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बगैर तो सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा तो भी चलता है कुछ एग्जाम्पल्स में, लेकिन वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम वर्ब को फोकस करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वर्ब सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वर्ब नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वर्ब इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। सो पैटर्न में हमको ध्यान क्या रखना है, वर्ब क्या है उस टेंसेस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस वी और V1 प्लस एस और ES। एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ही ईट्स मैंगो। ये आपको आसान जाता है ध्यान में रखने के लिए, इसलिए ये एग्जाम्पल अभी लिया है। आप और भी अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हो, आई ईट मैंगो। सो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों एग्जाम्पल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन सबसे फोकस करेंगे वर्ब्स पे। तो ये बीच में का जो है, यहाँ पे वर्ब है ईट्स और यहाँ पे भी ईट, तो यहाँ पे ईट को यस और ES लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी ईट जब आता है तब हम वहाँ पे वर्ब को एस और ES ऐड करते हैं। सो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ही ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो, यहाँ पे ये V1 यहाँ पे यूज किया है और इसको V प्लस एस और ES ऐड किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न है V और V1 प्लस एस और ES, एग्जाम्पल ही ईट्स मैंगो, आई ईट मैंगो। देन नेक्स्ट लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस का जो पैटर्न होता है वो होता है V2 और ED फॉर्म।
वी टू मतलब वी का जो वी वन का अगला रूप होता है उसको हम वी टू कहते हैं, और कभी कभी उसको ईडी भी लग के आता है। एग्जाम्पल भाई उधर ऊपर का जो एग्जाम्पल्स है यहाँ पे आपको बराबर कन्वर्ट करके देता हूँ। जैसे ही इट्स मैंगो, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, यहाँ पे ही एट मैंगो, ही एट मैंगो, सो ही इट्स मैंगो इधर हो जाता है ही एट मैंगो। इसका पैटर्न है वी टू और ईडी फॉर्म। यहाँ पे एट जो है ये इसका वी टू फॉर्म है। हम वी वन वी टू वी थ्री की लिस्ट भी बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं नंबर थ्री, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सो इसका पैटर्न होता है, इसका पैटर्न होता है शाल ऑब्लिक विल प्लस वी वन। सो इसका एग्जाम्पल होता है आई शाल ईट मैंगो, आई शाल ईट अ मैंगो, और इसको एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं ही विल ईट अ मैंगो, ही विल ईट अ मैंगो। सो अभी आप देख सकते हैं आई के साथ मैंने शाल यूज़ किया है और ही के साथ यहाँ पे विल यूज़ किया है। आई वी यू रहता है तो हम उसके लिए शाल यूज़ करते हैं, जो प्लूरल नाउंस रहते हैं उसके लिए शाल यूज़ करते हैं, और ही शी ईट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम विल यूज़ करते हैं, और डिटेल में मैं ये लेने वाला हूँ बाद में। नंबर फोर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो पैटर्न होता है वो होता है एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस वी प्लस आई एन जी। एम इज आर प्लस वी प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग अ मैंगो। नंबर टू एग्जाम्पल लेते हैं ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो। सो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आई के साथ एम आता है हमेशा और ही के साथ इज आता है, तो एम इज आर वॉज वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी ऐसा कंटिन्यूस टेंसेस में चलता है। अगर आई है तो एम यूज करेंगे, ही शी इट है तो इज यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन वी यू दे है तो उसके साथ आर इट करें यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। सो नंबर फाइव, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सो इसका पैटर्न है वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस वी प्लस आई एन जी। सो एग्जाम्पल इसका लिखते हैं आई वॉज ईटिंग मैंगो, आई वॉज ईटिंग मैंगो। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं He was eating mango. He was eating mango. इसको और एक ऐड करके देता हूँ आपको, You were eating mango. You were eating mango. So, dear students, was और were ऐसा इसका पैटर्न रहता है, तो यहाँ पे भी eat verb है, इसको ing लग के आया है, कहीं पे भी कंटिन्यूस टेंस है तो उसको वी प्लस आई एन जी कंपल्सरी रहेगा। तो वॉज सिंगुलर के हिसाब से चलता है, आई के साथ भी आता है, ही शी इट के साथ आता है, या फिर किसी का नाम हो उसके साथ भी आता है, और फिर प्लूरल नाउन जो रहता है उसके साथ वेयर यूज करते हैं, या फिर यू के साथ भी वेयर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट नंबर सिक्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैटर्न शाल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वी प्लस आईएनजी। सो इसका एग्जांपल आई शाल बी ईटिंग मैंगो, आई शाल बी ईटिंग मैंगो, आई शाल बी ईटिंग मैंगो। नेक्स्ट एग्जांपल ही विल बी ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो पैटर्न लिखा है शाल बी और विल बी, तो आई के साथ शाल यूज किया जाता है और ही के साथ विल यूज किया जाता है। तो ये जो शाल बी है, शाल बी प्लस वी प्लस आई एन जी, आई वी यू के साथ आप यूज करोगे, और जो भी प्लूरल नाउन्स है, और ही शी ईट इस सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज करोगे। सो ही विल बी ईटिंग अ मैंगो। नंबर 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पैटर्न होता है हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 और एडी फॉर्म। तो इसका एग्जांपल हो जाता है आई हैव eaten a mango, I have eaten a mango। तो यहाँ पे जो V है वो V3 हो जाता है। सो पैटर्न में लिखा है have has plus V3, I के साथ have यूज करते हैं और फॉर्म ऑफ V3 यूज करते हैं। सो I have eaten a mango, she has eaten a mango, she has eaten a mango। सो यहाँ पे हैज, यहाँ पे जो है ये शी के साथ यूज करते हैं, मतलब जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी ईट उसके साथ हैज यूज करते हैं, और हैव जो यूज करते हैं वो आई वी यू के साथ यूज करते हैं या प्लूरल नाउन के साथ। नंबर 8 पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इसका जो पैटर्न है वो होता है हैड प्लस V3 और ईडी फॉर्म, हैड प्लस V3 और ईडी फॉर्म। एग्जांपल आई हैड ईटन मैंगो, आई हैड ईटन मैंगो, ही हैड ईटन मैंगो, ही हैड ईटन मैंगो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैड जो है वो किसी सब्जेक्ट के साथ सेम रहता है, आई वी यू ही शी इट दे, और बाकी V3 तो परफेक्ट टेंस के लिए रहता ही है। नंबर 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पैटर्न शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 और ईडी फॉर्म। सो इसका एग्जांपल आई शाल हैव ईटन अ मैंगो, आई शाल हैव ईटन अ मैंगो। नेक्स्ट एग्जांपल ही विल हैव, he will have eaten a mango। so shall और will का आपको तो difference पता ही है कि I, we, you के साथ shall use करते हैं, और will जो है वो he, she, it के साथ use करते हैं। I shall have eaten a mango, he will have eaten a mango। next लेते हैं number 10 present perfect continuous tense, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसका पैटर्न होता है
शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आई एन जी और इसका एग्जाम्पल होता है आई शाल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो आई शाल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो. नेक्स्ट एग्जाम्पल ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शाल हैव और विल हैव आई के साथ शाल यूज होता है और ही के साथ विल यूज होता है. नेक्स्ट नंबर 11 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पैटर्न होता है हैड प्लस बीन प्लस वी प्लस आई एन जी. तो एग्जाम्पल आई हैड बीन ईटिंग आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो. नेक्स्ट एग्जाम्पल ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो ईटिंग अ मैंगो. तो यहाँ पे हैड जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कॉमनली यूज किया जाता है. नेक्स्ट नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सो इसका पैटर्न होता है शाल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आई एन जी. सो इसका एग्जाम्पल होता है आई शाल I shall have been eating a mango. I shall have been eating mango. He will have been eating mango. He will have been eating mango. Eating mango. So इस तरह से यहाँ पे 12 टेंसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं. उसके आपने पैटर्न सीख लिए है और एग्जाम्पल भी सीख लिए है. तो 12 टेंसेस के ये जो पैटर्न्स है ये आपको लर्न होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो जो भी ग्रामर का आगे चल का आपका टॉपिक होगा उसमें अगर टेंस परफेक्ट हो गए आपके बराबर से लर्न हो गए तो ग्रामर की डिफ़िकल्टीज सॉल्व होने में आसानी हो जाती है. क्योंकि ग्रामर का बेस तो टेंस ही रहेगा हमेशा के लिए. इसलिए टेंस समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है. और टेंस में फोकस कीजिए कि वर्ब्स वर्ब्स के पैटर्न मैंने लिख के दिए हैं. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो उसमें कॉमनली रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन वर्ब तो हमेशा रहता है टेंस में. इसलिए वर्ब की पढ़ाई अच्छे से कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो दोस्तों ये था बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 टेंसेस पैटर्न एंड देयर फंक्शंस पार्ट 1. तो टेंसेस की जो पढ़ाई है हम और आगे करेंगे अगले पार्ट में. तो आप हमेशा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए. फिर मिलते हैं अगले पार्ट में बेसिक फंडामेंटल नंबर 5 पार्ट 2. तो देखते रहिए बिजी इंग्लिश चैनल. धन्यवाद.